देना चाहूंगा। मैं रहने वाला सातवार का हूं और गुड्डू सिंह जी का भाई हूं। बचपन से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता रहा और बाबा के आशीर्वाद से मीडिया जगत तक पहुंच गया और पिछले 18 साल से इस देश की सेवा कर रहा हूं। आपने जो भ्रष्टाचार की पहली लड़ाई अन्ना मूवमेंट देखा था, उस अन्ना मूवमेंट में मेरा बहुत ही सक्रिय रोल था। जब हिंदुस्तान की पहली नारी जिसको हम दामिनी मूवमेंट कहते हैं तो दिल्ली में हुआ और एक महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून बना कि हिंदुस्तान की महिलाएं ज्यादा मजबूती के साथ भारत प्रवास कर पाए, उन प्रक्रिया में भी मीडिया ने भरपूर सहयोग किया और देश में एक नया महिला कानून बना। ऐसे ही सामाजिक, राजनीतिक और भारत को मजबूत करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, उसके जो थिंक टैंक हैं, जो आने वाला भारत अगले 10 साल बाद कैसा होगा, अगला 15 साल बाद कैसा होगा, राजनीति किस वक्त ले रही है, सामाजिक सोच क्या है, युवाओं की सोच क्या है, युवाओं के चरित्र में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, भारतीय सेना को किस तरह का नौजवान चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, आखिर नौजवान फौज से क्यों परहेज कर रहे हैं, क्यों इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अधिकारियों के 332 हो या 460 हो वो सीट नहीं भरती। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मैं जानता हूं कि हमारी जो एकेडमी चल रही है जहां अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए पूना, यहां फौजियों और अधिकारियों की कमी है। क्योंकि हमारा जो नौजवान है वो नौजवान अपने आप को भारतीय सेना लायक साबित नहीं कर पाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो हमारे अच्छे घर के नौजवान हैं, अधिकारियों के बेटे हैं, फौजियों के बेटे हैं, आज वो भी फौज में नहीं आना चाहते, उन्हें प्राइवेट सेक्टर अच्छा लगता है, वो कहते हैं हम एमबीए करेंगे, आर्मी से ज्यादा तनख्वाह मिलता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी कर्नल या मेजर या लेफ्टिनेंट जनरल हैं आज उनके बच्चे भी फौज में नहीं आना चाहते। इसके लिए भी भारत सरकार बहुत ही गहरा अध्ययन कर रही है कि आखिर फौज में कोई क्यों नहीं जाना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिपाही के लिए भर्ती हो रही है, अगर जवानों के लिए भर्ती हो रही है, अलग अलग कैटेगरी में भर्तियां हो रही हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। बल्कि एक नया बदलाव ये आया है कि भारतीय सेना अब जिले स्तर पर जाके अपना भर्ती केंद्र खोल रही है, क्योंकि जो बीच में बिचौलिए हैं, जो पैसे के वजह से गरीब घर के बच्चे फौज में नहीं जा पाते, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय थल सेना ने, भारतीय ये प्रयास किया कि क्यों नहीं हम गांव से, देहात से, जिले स्तर से फौजियों को रिक्रूट करें, अच्छे फौजी मिले, बहादुर फौजी मिले। आज उसी नीति का नतीजा है, हाल में आप देखते होंगे कई बार गाजीपुर में भर्ती होती है, मऊ में भर्ती होती है, बलिया में भी भर्ती शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे बताने में बड़ा अफसोस होता है कि भर्ती में बलिया के जो ये बलिया के लड़के फौज द्वारा निष्क्रिय साबित कर दिए जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। कारण क्या हो,
अरे अनडिसिप्लिन, आप जा रहे हैं फौज की वर्दी के लिए और कानून तोड़ने करते हैं। गाजीपुर में जब भर्ती उनका नहीं तो उन्होंने तोड़फोड़ किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय थल सेना को या वायुसेना के लिए हमारे जिले के लिए एक नेगेटिव रिपोर्ट देती है, नहीं होना चाहिए। मैं जब गांव में आता हूं या चरण बाबा के सामाजिक हूं तो मैं देखता हूं कि सवेरे शाम हमारे नौजवान साथी कसरत करते हैं, दौड़ते हैं और फौज में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो नौजवान साथियों को एक मौका मिलेगा। हेलो हेलो, तो इन नौजवान साथियों को मौका उपलब्ध कराने के लिए मैंने ये सोचा कि जो लड़के प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो अलग अलग भर्तियों में जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तजुर्बे की कमी है। उन्हें ये नहीं पता है कि जिस प्रक्रिया में वो जा रहे हैं उस प्रक्रिया में आखिर कौन सी बात वो अपने अंदर डेवलप करें तो उनका भर्ती हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मार्गदर्शन का अभाव है इस गांव में। जो रिटायर्ड फौजी भाई है या जो फौजियों के एसोसिएशन है हमारी, थोड़ा इस पे भी गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लड़के तैयारी में जा रहे हैं अगर उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें थोड़ा गाइडलाइन दी जाए तो मुझे लगता है कि वो और बेहतर कर पाएंगे। और हमारे गांव सातवार और सातवार के आसपास से अधिक संख्या में लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में योगदान कर पाएंगे, भर्ती हो पाएंगे। क्यों, कहीं ना कहीं ये हमारा कर्तव्य है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर, आप सभी जानते हैं। गाजीपुर की खासियत महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हम एशिया का सबसे बड़ा गांव गामर की ओर देखते हैं। हमारे नौजवान भाइयों को नहीं पता होगा, नौजवान साथियों को नहीं पता होगा कि गामर में क्या है। गामर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, ये इसकी पहली उपलब्धि है। गामर के हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में हमारे फौजी भाई हैं। एक एक परिवार के 8-8, 10-10 लोग फौज में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, एसएसबी में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, कलकत्ता पुलिस में हैं, रैपिड एक्शन फोर्स रैफ में हैं, सैफ में हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि गामर में जो फौजी भाई वहाँ निवास कर रहे हैं उन्होंने हमेशा अपने गांव के लोगों को फौज में भर्ती कराने के लिए मदद किया, एक दूसरे को सहयोग किया। आज यही नतीजा है कि उस गांव में आपको एक भी बेकार नौजवान नहीं मिलेंगे, 100% फौज में मिलेंगे। इसका दूसरा प्रारूप, गांव के अंदर बहुत विकास है, घर के लोग बहुत शिक्षित हैं, पूरा परिवार शिक्षित है। तो ये एक प्रयास अगर गामर में हो सकता है, हमारे बगल के जिले गाजीपुर में हो सकता है, तो बलिया में क्यों नहीं हो सकता? बलिया तो वीरों की भूमि है, बलिया तो मंगल पांडे की भूमि है, बलिया तो जयप्रकाश जी की भूमि है। तो ये प्रयास करने के लिए ही आज जो हमारे फौजी भाई हैं और जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो नौजवान साथी हैं, उन्हें दोनों को मिलाने का प्रारंभ किया गया है। मैं चाहूंगा कि जो एक्स आर्मी एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं,
वो हमारे जो नौजवान हैं, जो जाने वाले हैं भर्ती के लिए, उनको ट्रेनिंग देने का काम करें, उन्हें गाइड देने का काम करें, उन्हें रास्ता दिखाने का काम करें, क्योंकि इससे हमारा युवा मजबूत होगा, और जब युवा मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा।